हाय फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर परिवार के साथ खुश होंगे। तो आज है सावन की सातवीं सोमवारी, तो आप सभी को सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी 12 से ज़्यादा हो रहा है, 12:30 हो रहा है। तो अभी मैं अपना सुबह का सब काम होगा निपटा के, और आज है फास्टिंग, तो यहाँ फास्टिंग में मैं मखाना के लावा और चाय लेके बैठी हूँ। और ये है मेरा नाश्ता, और इसके बाद दोपहर के 3 बजे तक फिर जो भी कुछ खाना होगा, फ्रूट्स वगैरह, वो सब खाऊंगी। फिलहाल इसको मैं अभी खाने वाली हूँ। आ जाइए आप लोग भी खाने। आप लोग का भी व्रत है, कैसा कैसा चल रहा है व्रत, जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद लंच भी मुझे रेडी करना है। और लंच में बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फास्टिंग है इन लोग के लिए ही। तो जुड़े रहिएगा इस ब्लॉग में, और वो स्पेशल रेसिपी अभी आप लोग से भी शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और चलिए झटपट जो रेसिपी मैंने आप लोगों को बताया ना कि आज स्पेशल लंच रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग से। तो मेरा तो था फास्टिंग, और इन्होंने बोला कि आज सब्जी छोड़ दो, कुछ अलग बना दो। और मैं सोची कि ऐसा कुछ बना दूँ जो बच्चे लोग भी खा लें और ये भी खा लें पसंद से। तो सबसे पहले ध्यान आता है ना तहरी का, तो एग्जैक्टली मैं तहरी ही बनाने वाली हूँ आज। तो मैं आप लोग सोच रहे होंगे मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको कुकर में ही डालूंगी लास्ट में। पहले मैंने सोयाबीन को अच्छे से बॉईल कर लिया, उसको अच्छे से फ्राई करके अलग हटा दी हूँ। और मैंने आलू डाल दिया, प्याज डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन कूट के डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा मसाला जो भी हमारा नॉर्मल मसाला डेली यूज़ में करती हूँ, वो सब जीरा, थोड़ा थोड़ा मैंने सारा मसाला डाल दिया। और डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा मैं डालूंगी लास्ट में जब चावल वगैरह सब कुछ ऐड कर दूंगी, तब मैं बिरयानी मसाला डालूंगी। और मैं सोची कि टमाटर नहीं डालूंगी, फिर सोची चलो टमाटर भी डाल देती हूँ। टमाटर का धीरे धीरे जो रेट है ना वो कम भी हो रहा है तो यहाँ टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे चावल मैंने धो के पहले से रखा था। चावल को ना आपको कम से कम आधे घंटे पहले धो के रख लेना है। और इसको मैं कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, नमक वगैरह सब कुछ डाल के, क्योंकि ना फिर कुकर में अच्छे से फ्राई नहीं होता सब्जी वगैरह, चावल वगैरह सब अच्छे से नहीं हो पाता। तो मैं कढ़ाई में ऐसे अच्छे फ्राई करके, और उसके बाद उसको कुकर में डाल के, और बिरयानी मसाला डाल के, और सीटी एक इसमें लगा देती हूँ। तो नमक मुझे लगा ना थोड़ा सा और डालना चाहिए, तो मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि चावल फिर फैलता है ना, तो फिर नमक का टेस्ट कम हो जाता है। और घी मैं सबसे लास्ट में, जब मेरा बन जाता है चावल ना, उसके बाद मैं घी उसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। फाइनली कढ़ाई का काम हो चुका है, कढ़ाई में अच्छे से मैंने सब कुछ फ्राई कर लिया। और यहाँ मैंने साइड में बिरयानी मसाला रखा है, तो पानी वगैरह सब कुछ मैं अपने अंदाजे से डाल दूंगी। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि आपका चावल ना पहले से भिगा के रखते हैं ना, तो पानी उसके अकॉर्डिंग ही डालना है, कम ही डालना है। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया, और पानी वगैरह सब कुछ डाल दिया। तो चलिए झट से इसमें एक सीटी के बाद ये बनके मेरा तहरी रेडी हो जाएगा। और आप लोग तहरी के साथ क्या खाते हैं वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे यहाँ तहरी के साथ ना बादाम का चटनी या फिर रायता पसंद करते हैं। बच्चे लोग तो रायता नहीं खाते, तो बस मैं इन्हीं के लिए थोड़ा सा रायता बना रही थी दही में ही। मैं सोची जब चलो झटपट ही इसका काम कर लूँ, तो दही के साथ ही मैं इसको एक खीरे को घिस दी हूँ, और उसमें मैं थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा हरा मिर्च काट दूंगी, और नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा चीनी डाल दूंगी, और सबसे जरूरी चीज़ इसमें मैं डालूंगी जलजीरा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आपके पास चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं, और आप चाहेंगे तो काला नमक भी डाल सकते हैं। मैं प्लेन नमक डाली क्योंकि मैं इसके साथ जलजीरा ऐड कर रही हूँ। तो बस ये झट से हमारा रायता बन के रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने मिर्ची भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया। तो ये इसके साथ ना कम्बिनेशन जो हमारा तहरी का है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे ट्राई करिएगा ज़रूर। तो ये घर वालों के लिए लंच थाली हमारा रेडी हो गया। ये है तहरी, रायता, मिर्ची। और तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम के बज रहे हैं 7:30, और मैंने अभी बादाम और चाय खा लिया है। रात में बस दूध वगैरह पी के
या फिर मन करेगा तो केला खाऊंगी, दूध केला, और नहीं तो दूध पी के सो जाने वाली हूँ। और आज का सोमवारी का व्रत भी था और मेरा अभी साल्ट फ्री डे मैं अलग से करती नहीं हूँ जब से मैं वेट लॉस कर रही हूँ। अभी ऐसे हो रहा है कि मतलब फास्टिंग ही हो जा रहा है। अभी सावन में सोमवारी मैंने किया, फिर भादों में भी बहुत सारा फेस्टिवल है तो वो सभी करती हूँ, तो वो सभी हो जाता है। उसके साथ साथ मैं सेल्फी डे भी नहीं कर पाती हूँ, बस सप्ताह में एक दिन मेरा हो जाता है फास्टिंग। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आप सेल्फी डे नहीं कर पा रहे हैं, फास्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, ऐसे भी आपका वेट कम होगा। बस आपको खाने में जो भी परहेज है, नमक चीनी ये सब कम करना है, चीनी तो बिल्कुल भी छोड़ देना है, गुड़ का उपयोग करिए वो भी उसी मात्रा में कि आपका थोड़ा सा मिठास रहे, ज़्यादा भी नहीं खाना है, और नमक भी बहुत हद तक कम करना है, तेल मसाला कम करना है, ये सब धीरे धीरे करेंगे तभी जाके होगा। और डेली टहलना है, एक्सरसाइज करना है, तब जाके वेट कम होगा। तो अभी आज फास्टिंग है तो मैं टहलना होगा नहीं की हूँ। कभी कभी आप नहीं भी कर सकते हैं, जैसे तबीयत खराब है या फिर कुछ फास्टिंग की है, आपको वीकनेस लग रहा है, तो नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे कि करना ही है, नहीं तो वैसे में क्या है और ज़्यादा आपका तबीयत खराब हो सकता है। तो मेरा आज फास्टिंग था, मुझे मन नहीं हुआ तो मैंने आज नहीं किया, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज का यही ब्लॉग था, छोटा सा ब्लॉग था, फास्टिंग है तो आज मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया। जो भी आज मैंने लंच बनाया वो सब रेसिपी, और सुबह में थोड़ा बहुत वीडियो शूट की, और मैं बोलती हूँ ना पूजा वगैरह का ज़्यादातर वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं अकेले मंदिर जाती हूँ और मोबाइल लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो जाता। जब मोबाइल लेके भी जाती हूँ तो मतलब पूजा करने के टाइम मैं खुद से नहीं कर पाती हूँ अकेले, तो होगा जैसे कभी मौका मिलता है कोई और रहता है तो वो लोग बना देते हैं तो बन जाता है। एनीवेज जो भी हो, तो चलिए आज का ब्लॉग ये छोटा सा कोशिश था, कल से फिर से अपने रेगुलर रूटीन में मैं जुड़ जाऊंगी। कल मैं अपना फास्टिंग जब भी तोड़ती हूँ उसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और नहीं तो मैं शाम में एक्सरसाइज कर लेती हूँ कल के लिए, और अदरवाइज डे में लगातार ही सुबह में ही अभी एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि कल फास्टिंग है तो हो सकता है सुबह में वीकनेस लगता है। जैसा मन रहता है वैसा करना है आपको, जब टाइम मिलता है तब एक्सरसाइज करना है, लेकिन आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करना है जब भी आप वेट लॉस करें। और फास्टिंग के बाद वाला भी दिन में खाने में ना थोड़ा सा परहेज रखना है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आज फास्टिंग की और कल बहुत ज़्यादा खाएं, इसका भी ध्यान रखना है। तो अभी फ़ैन बंद की हूँ और वेदर देख रहे हैं आप लोग कैसा वेदर हो रखा है, अभी बरसात के दिन में इतना ज़्यादा गर्मी है थोड़ा भी फ़ैन बंद करके नहीं रह सकते हैं। तो चलती हूँ अभी उन लोग के लिए डिनर रेडी करूँगी, उसके बाद टाइम मिलेगा तो वीडियो भी एडिट कर लूँगी। छोटा सा ब्लॉग है, छोटा सा कोशिश है, तो चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, कमेंट भी कम आ रहा है, लाइक भी कम आ रहा, तो सब कुछ आप लोग व्यूज़ जो भी लोग क्लिक करते हैं वीडियो पे फुल वीडियो को वॉच करिए ताकि इम्प्रेशन अच्छा जाए तो और भी ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा। और लाइक करिए, कमेंट करिए ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल से। आप लोग को डेली ब्लॉग मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगी, कोशिश करते रहूँगी, और ज़्यादा बेस्ट होगा और ज़्यादा अच्छा ब्लॉग होगा। होता है ना कि आज से अच्छा कल होगा ब्लॉग में, और अच्छा वीडियो में आप लोग के लिए लेती आऊँगी बहुत सारा मोटिवेशन के साथ। तो चलिए इस ब्लॉग का करती हूँ, मिलती हूँ ऐसे ही नए ब्लॉग में। जय माता दी।